हेलो एवरीवन आइए जानते हैं अगर आपका सॉफ्टवेयर अनरजिस्टर्ड हो गया है तो आप कैसे उसे रजिस्टर कर सकते हैं मान लीजिए आपने अपना सिस्टम या विंडो चेंज की है या सिस्टम फॉर्मेट किया है या हार्ड डिस्क चेंज की है तो इन कंडीशंस में सॉफ्टवेयर अनरजिस्टर हो जाता है तो वीडियो में दिखाए जा रहे प्रोसेस से आप अपने अनरजिस्टर सॉफ्टवेयर को आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं ध्यान देंगे कि इस ऑप्शन को यूज करने के लिए आपका सॉफ्टवेयर इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए इसके लिए आप मास्टर्स मेन्यू से मार्ग लाइसेंसिंग पर आएंगे फिर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे देन लाइसेंस रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन होगी अगर आप अपनी लाइसेंस डिटेल्स में कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर लेंगे फिर यहां से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे फिर आपको ओटीपी के लिए एक मैसेज शो होगा यस yes पर क्लिक करेंगे और ओके okay करेंगे अब आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक ओटीपी रिसीव होगा जिस ओटीपी को आप यहां मेंशन करेंगे और ओके okay करेंगे फिर एक अलर्ट मैसेज शो होगा कि आपके सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट आपके सर्विस प्रोवाइडर को सबमिट हो गई है अब आपको अप्रूवल के लिए अपने सर्विस प्रोवाइडर से कोऑर्डिनेट करना होगा जिसकी डिटेल्स आप अपने सॉफ्टवेयर के लेफ्ट साइड बॉटम में देख सकते हैं अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट आपके सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू अप्रूव हो जाएगी आपको लाइसेंस फाइल आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पर रिसीव हो जाएगी फाइल डाउनलोड करेंगे अगर पहले कोई फाइल सेम है तो हम इस फाइल को उस फाइल से रिप्लेस कर देंगे अब सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे और लाइसेंस फाइल को अपडेट करने के लिए शो हो रहे अलर्ट मैसेज को यस yes करेंगे इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने अनरजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर को रजिस्टर कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग